स्टार्ट करते हैं अपन। अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान का अपवाद अंतर, ठीक है। इसके बारे में अपन ने कुछ चीज़ें देख ली हैं, जैसे अपन ने पहले देखा आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, उसमें अपन ने घग्गर के बारे में, बाणगंगा, कांतली, इनके बारे में चर्चा की। फिर अपन ने देखा जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, उसमें अपन ने पश्चिमी बनास, लूनी वगैरह, कुछ रिवर के बारे में देखा। आज अपन बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। अगर आप में से किसी ने पहले वाली क्लासें नहीं ली हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज अपन बात करने जा रहे हैं वो नदियाँ जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में लेके जाती हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। सबसे पहले तो अपन जानते हैं अपने टोटल राजस्थान की 23% नदियाँ ऐसी हैं जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में लेके जाती हैं। तो चलिए अपन बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो अपन बात करते हैं चंबल की, चंबल रिवर। चंबल के बारे में अपन ने काफी चर्चाएं की हैं। अपन ने जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक किया था, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो उसमें अपन ने एक पार्ट देखा था पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है उसमें चंबल एक अच्छा रोल प्ले करती है, पूरा रोल उसमें चंबल का ही था। तो आज अपन उसी चंबल के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चंबल निकलती कहाँ से है, यानी चंबल का उद्गम कहाँ है। अगर अपन इसके उद्गम की बात करें तो अपनी जो चंबल है इसका उद्गम है जानापा पहाड़ी, ठीक है। अब ये जानापा पहाड़ी है कहाँ पे, तो अपन जानते हैं जो अपनी जानापा पहाड़ी है ये मानपुर गांव में है। कहाँ पे है? मानपुर गांव में। अब भाई ये मानपुर गांव कहाँ पे है? जो अपना मानपुर गांव है ये महू डिस्ट्रिक्ट में है, यानी महू जिले में है। अभी महू जिला कहाँ पे है? तो ये अपने एमपी में है, ठीक है। यानी अपन क्या समझे भी जो अपनी चंबल नदी है वो जानापा पहाड़ी से निकलती है, और जानापा पहाड़ी कहाँ पे है? मानपुर गांव में है। और मानपुर गांव कहाँ पे है? महू जिले में है, महू जिले में। और महू जिला का इसका है मध्य प्रदेश का एक जिला है महू। चलो ठीक है भाई, चंबल निकल तो गई। अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में तो आएगी ना ये, तो अपन इसे लाते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में ये जहाँ से इंटर होती है, जहाँ से इन होती है, वो है अपना डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ से ये इंटर हुई, ठीक है भाई। चित्तौड़गढ़ में एक जगह है चौरासीगढ़, तो चौरासीगढ़ से ये इंटर हो जाती है अपने राजस्थान में, ठीक है। अब इन हुई चित्तौड़गढ़ में आई, देन उसके बाद में गई कोटा में, कोटा के बाद ये गई बूंदी में। अभी अपन मैप में देखेंगे, एक बार अपन सीधा लिख लेते हैं ना। कोटा के बाद गई बूंदी में, बूंदी के बाद ये गई अपने सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर से इंटर होती है करौली में, और करौली के बाद ये जाती है धौलपुर में, ठीक है। और धौलपुर से ये हो जाती है आउट, धौलपुर से क्या हो जाती है? आउट। और ये पहुंच जाती है यूपी, ठीक है। कहाँ पहुंच गई ये? यूपी में। अब यूपी में भी एक जगह है मुरादगंज, मुरादगंज यहाँ पे ये इंटर हो जाती है। अब बाद में ये क्या करती है, जो अपनी चंबल है, जो अपनी चंबल चल रही है, दिख रहा होगा आपको, जो अपनी चंबल है ये मिल जाती है जाके, मान लो ये चंबल है, ठीक है। और ये मिलती किसमें? यमुना में। ये मान लो यमुना है, ये क्या है? यमुना। तो ये यमुना में मिल जाती है, ठीक है। अब यमुना में कहाँ पे मिली? इस जगह पे मिली, और इस जगह का नाम है इटावा, इटावा, ठीक है। दोबारा देखते हैं अपन। अपन ने देखा एक चंबल है, बहुत अच्छी सुंदर रिवर है, इसका उद्गम होता है जानपा पहाड़ी से, और वो है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, महू डिस्ट्रिक्ट में। यहां तक बात कंप्लीट है। अब अपन लाए से राजस्थान में, तो राजस्थान में इंटर हुई चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ में चौरासीगढ़ नामक एक जगह है, यहां से इंटर हुई, देन कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, फिर निकल गई अपने राजस्थान से बाहर। और राजस्थान से बाहर निकली तो चली गई यूपी में, यूपी में कौन सी जगह है? मुरादगंज पहुंचेगी भाई। आगे जो चंबल है ये यमुना में मिल रही है, ठीक है। अब यमुना में कहाँ पे मिलती है? इटावा नामक जगह पे यमुना में मिल जाती है, ठीक है। अपन इसका अपवाह क्षेत्र देखें, अपवाह क्षेत्र क्या होता है? जहां जहां से ये रिवर निकलती है, कोई भी रिवर। तो अपने देखो चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये सारे इसके क्या है? अपवाह क्षेत्र है। यानी टोटल राजस्थान के 6 जिलों में चंबल का प्रभाव है,
मैप में डिस्कस करते हैं अपन थोड़ा इस चीज को। देखो ये राजस्थान का मैप है और मुझे पूरी उम्मीद है आप भी जब क्लास ले रहे होंगे तो आपके पास मैप होगा, वरना जो ये चंबल है ऐसे लगेगा जैसे पाकिस्तान की रिवर चल रही है कोई। ठीक है, ये है अपना राजस्थान। और देखिए ये मंदसौर दिख रहा है आपको, दिख ही रहा है, इससे जो ऊपर ये ब्लू ब्लू सा प्रोग्राम है ये चंबल का ही पार्ट है। ये गांधी सागर बांध है, चंबल के ऊपर चार बांध बने हुए हैं, अभी अपन चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो तीन बांध तो ऐसे हैं जो अपने राजस्थान में है, ठीक है, एक बांध चंबल का ऐसा है जो राजस्थान में नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में है। तो वो बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है। ठीक है, अपन ने अभी देखा भी जो चंबल है चित्तौड़गढ़ से इंटर होती है, होगी इंटर, चित्तौड़गढ़ में इंटर होते ही इस पे एक बांध है राणा प्रताप सागर बांध, दिख रहा होगा मैप में खुला खुला। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के बाद ये इंटर हुई कोटा में, और देखो कोटा, कोटा के बिल्कुल ऊपर क्या है? बूंदी। तो कोटा और बूंदी की बिल्कुल सीमा पे चलती है, कोटा और बूंदी की बिल्कुल सीमा पे चलते हुए जा रही है। फिर आगे चलती है सवाई माधोपुर में, बिल्कुल ये टच करती हुई जाती है सवाई माधोपुर, फिर करौली और फिर ऊपर धौलपुर। ठीक है, और फिर ये चली जाती है अपने यूपी में। तो ये है चंबल, ये वाल ऐसे चलती है, दिख रही होगी स्केच, जो रेड स्केच चल रहा है ये चंबल पे ही चल रहा है। ठीक है, ये है अपनी चंबल। अब अपन बात करते हैं और बातें देखते हैं चंबल के बारे में, कुछ और अच्छी बातें हैं चंबल की, उन्हें डिस्कस करते हैं। तो ये तो अपन ने देख लिया, अभी जो चंबल है राजस्थान में छह डिस्ट्रिक्टों से निकलती है। ठीक है, और देखें कुछ और बातें, चंबल में एक अभयारण्य है जो चंबल रिवर है, इसमें एक अभयारण्य भी बना हुआ है। ठीक है, तो उस अभयारण्य का नाम क्या है? चंबल घड़ियाल अभयारण्य, चंबल घड़ियाल अभयारण्य। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, आपसे पूछ लिया जाए चंबल घड़ियाल अभयारण्य कौन सी नदी पे है, तो सिंपल सी बात है चंबल पे होगा, गग्गर पे थोड़ी होगा, क्योंकि नाम ही चंबल है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? खूब लंबा चौड़ा है, राजस्थान में भी है, एमपी में भी है और यूपी में भी है, खूब लंबा फैला है ये भाई ये अभयारण्य। आगे अगर अपन बात करें इसके बहाव की, यानी बहाव की दिशा की, तो अपन ने देखा ये चित्तौड़गढ़ से एंट्री हुई, तो चित्तौड़गढ़ अपने दक्षिण में है, तो जो चंबल का बहाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। चंबल का बहाव पूछ लिया जाए आपसे भी, चंबल का बहाव किधर है, तो अपना आंसर होगा दक्षिण से उत्तर की ओर। और बातें करें अगर अपन चंबल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं चंबल के। देखो एक कंफ्यूजन सा क्वेश्चन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सीधी एक मैं सिंपल लाइन लिखूंगा, फिर अपन उसमें डिफरेंस क्लियर करेंगे। ठीक है, राजस्थान में सबसे लंबी नदी, क्वेश्चन है अपना राजस्थान में सबसे लंबी नदी, तो आंसर है चंबल। ठीक है, अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, अगर अपना क्वेश्चन ये बन जाए राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो अपना आंसर होगा बनास। क्या आंसर होगा? बनास। बनास है जो चंबल की सहायक नदी है। पहली बात, राजस्थान में सबसे लंबी नदी, देखो आप जानते हो जो चंबल है वो मध्य प्रदेश से आई है, यानी ये राजस्थान की नहीं है, इसकी जो पैदाइश है वो राजस्थान में थोड़ी हुई है, ये तो अदर डिस्ट्रिक्ट की है। अब राजस्थान में जो निकल रही है पानी है, पानी को थोड़ी पता है मैं एमपी में पैदा हुई तो एमपी में रहना है, पानी तो किधर भी जा सकता है ना। तो पहली लाइन क्या कह रही है? राजस्थान में सबसे लंबी नदी, यानी है तो बाहर की लेकिन राजस्थान में सबसे लंबी है। और सेकंड बात क्या कह रही है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की, यानी जो राजस्थान में ही पैदा हुई है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो अपना आंसर होगा बनास। अपन जानते हैं जो अपनी बनास नदी है खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, जो राजस्थान में ही पैदा हुई है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। एक तो वर्ड आ रहा है मैं और एक आ रहा है की, ये थोड़ा चक्कर है, इसे क्लियर करते हुए चलना है। आगे चलते हैं अपन और बात करते हैं चंबल के बारे में। सबसे लंबी नदी तो हो गई, चंबल अपनी सबसे लंबी नदी है, ये बात अपन ने क्लियर कर ली। चंबल सबसे अधिक सतही जल वाली भी है, सतही जल वाली नदी।
ठीक है, सबसे अधिक। तो ये लाइन थोड़ी आगे पीछे लिख दी मैंने, लिखना क्या था, सबसे अधिक सतही जल वाली नदी। तो अपना आंसर क्या होगा, चंबल, यानी जो अपनी चंबल रिवर है उसमें सबसे ज्यादा सतही जल है। आगे चलते हैं अपन, अपन ने कुछ चीजें देखी थी, अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन। जब मिट्टी वाला टॉपिक किया था तो अपन ने देखा जो जल के द्वारा अपरदन होता है उसे अवनालिका अपरदन बोला जाता है। तो जो अपनी चंबल है खूब सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन कर दिया, ठीक है। तो अवनालिका अपरदन मैक्सिमम कौन करती है, चंबल, ठीक है। जब ये अवनालिका अपरदन करती है तो कुछ आकृतियां बनाती है, उन्हें क्या बोला जाता है, उत्खात बोला जाता है, उत्खात भूमि, ठीक है। उसे अपन डांग भी बोल देते हैं और उसे बीहड़ भी बोल देते हैं, और बीहड़ के डाकू तो सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये सारी चंबल से रिलेटेड बातें हैं। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा उत्खात भूमि का निर्माण कौन सी रिवर करती है, तो अपना आंसर होगा चंबल। सबसे ज्यादा बीहड़ का निर्माण कौन करती है, चंबल। और ये सारे उत्खात भूमि, डांग और बीहड़, ये वाला प्रोग्राम है कहां पे, तो ये क्रोली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर में है, ठीक है। और जो अपनी क्रोली है, क्रोली को बीहड़ की रानी बोला जाता है, क्रोली को क्या बोलते हैं, बीहड़ की रानी। आपसे पूछ लिया जाए बीहड़ की रानी कौन है, तो बीहड़ की रानी है अपनी क्रोली। आगे चलते हैं अपन, और अपन बात करते हैं इसके बारे में। अब देखो, अब अपन देखते हैं चंबल के अन्य नाम, चंबल के नामों की चर्चा करते हैं। अन्य नाम भी, इतने सारे काम कर रही है तो इसका एक नाम थोड़ी होगा, तो काफी सारे नाम है। सबसे पहले अपन वो नाम देखते हैं जो इसके पानी से रिलेटेड है। अपन ने अभी देखा भी चंबल में खूब पानी है, तो इसे सदा नीरा भी बोला जाता है, सदा नीरा, बारहमासी भी बोला जाता है, ठीक है। और अगर इसे देखें नित्यवाही भी बोला जाता है, ये तो नामों से ही पता चल रहा है, सदा नीरा जिसमें सदा पानी रहता हो, बारहमासी जिसमें बारह महीने पानी रहता हो, नित्यवाही जो नित्य यानी डेली बहती हो, तो ये तो हो गए ये नाम। और अगर अपन इसके नाम देखें तो इसे कामधेनु भी बोला जाता है, तो कामधेनु किसका नाम है, अपनी चंबल का ही नाम है कामधेनु। इसे चरमनवती भी बोला गया है, अपनी चंबल को चरणवती भी बोला गया है। तो ये चरणवती कहाँ बोला गया है, ये बोला गया अपने वेदों में, जो अपने चार वेद हैं उनमें चंबल को चरमनवती बोला गया है, ठीक है। ये बात भी अपने को याद रखनी है। अब अगर अपन देखें, अपन ने डिस्ट्रिक्ट तो देख लिए राजस्थान के, भी छह डिस्ट्रिक्टों में बहती हैं। अगर अपन स्टेटों की बात करें कौन कौन से राज्यों में जाती है, तो सबसे पहले तो एमपी, एमपी से इंटर हुई है राजस्थान, और राजस्थान के बाद ये चली गई यूपी, ठीक है। इनकी ये सीमा भी बनाती है, एमपी राजस्थान और यूपी में बहती है ये। आगे चलते हैं अपन, अब अपन बात करते हैं चंबल के ऊपर जो डैम बने हुए हैं उनके बारे में, चंबल के बांध। तो अपन बांध बनाते हैं, सबसे पहले अपन चंबल रिवर बना लेते हैं, तो आपको मान के चलना है ये चंबल ही है, ठीक है। अपन जानते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, ये दक्षिण और ये उत्तर। चंबल के ऊपर टोटल चार बांध हैं, कितने बांध हैं, चार बांध। अभी अपन इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले इनके नाम लिख लेते हैं। चंबल के ऊपर चार बांध हैं, ये जो मैंने एरो बनाया ये मान के चलना आपको चंबल है। तो अभी मैं इनके नाम लिख रहा हूं, नाम अपन उसी क्रम में लिखेंगे जिस क्रम में इस पे ये डैम बने हुए हैं। सबसे पहले इस पे आता है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, ठीक है। जो अपनी चंबल रिवर है उस पे सबसे पहले आता है गांधी सागर बांध। टोटल चार बांध है, इस चार में से तीन बांध अपने राजस्थान में है और एक बांध इसमें मध्य प्रदेश में यानी एमपी में है। तो जो एमपी में है उसका नाम है गांधी सागर बांध। ये कहां पे है, एमपी में। एमपी में कहां पे, एमपी में एक जगह है मंदसौर, ठीक है। एमपी में एक जगह है मंदसौर, यहां पे अपना गांधी सागर बांध, ये राजस्थान में नहीं है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद, अगर अपन देखें तो अपन जानते हैं जो अपनी चंबल नदी है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एंटर हुई है, तो एक बांध है इसमें चित्तौड़गढ़ में, तो उस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध। ये है कहां पे, ये बांध है अपना चित्तौड़गढ़ में,
चित्तौड़गढ़। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो इसपे एक डैम और है और उसका नाम है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध, ठीक है, ये भी अपने राजस्थान में ही है। और राजस्थान में कहां पे है? कोटा बूंदी। कोटा और बूंदी की बाउंड्री पे चलती है ना अपनी चंबल, तो वहां पे है कोटा बूंदी में। एक लास्ट डैम और उसका नाम है कोटा बैराज। कोटा बैराज, अब नाम से स्पष्ट है कोटा बैराज है तो होगा कहां पे? कोटा में ही होगा। तो चार बांध है इसके ऊपर, कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन ने देखा गांधी सागर बांध जो कि एमपी में है, राजस्थान में नहीं है। फिर अपन ने देखा राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है। फिर अपन ने देखा जवाहर सागर बांध जो कोटा बूंदी में है। और उसके बाद में अपन ने देखा कोटा बैराज बांध जो कि कोटा में है। आपको जान के बहुत खुशी होगी जो ये नीचे तीनों बांध है, ये तीनों, इनसे बिजली बनती है। क्या बनती है? बिजली, ठीक है, इनसे बनाई जाती है बिजली। लेकिन जो कोटा बैराज बांध है ये इससे की जाती है सिंचाई। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है भी चंबल का ऐसा कौन सा बांध है जिससे सिंचाई परियोजना चलाई जाती है, तो उसका नाम है कोटा बैराज। एकमात्र बांध है कोटा बैराज जिससे सिंचाई का सिस्टम है। बाकी जो तीनों हैं गांधी सागर, राणा प्रताप और ज्वार सागर, इनसे बनती है बिजली। आगे चलते हैं अपन, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इसके बारे में चर्चा करनी है। विश्व की एकमात्र नदी जिस पर 100 किलोमीटर में तीन बांध हैं। आपसे पूछ लिया जाए विश्व की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जिसपे सिर्फ 100 किलोमीटर के अंदर ही तीन बांध हैं, तो अपना आंसर होगा चंबल। ठीक है, यानी मान लो ये चंबल है और ये 100 किलोमीटर हो गई इसकी लंबाई, 100 किलोमीटर में 2003 बांध बना दिए इसमें। ठीक है, तो पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें मात्र ही 100 किलोमीटर के अंदर तीन डैम बने हुए हैं, ये रखना आपको याद। अब बांधों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं तो इन्हें थोड़ा अच्छे ढंग से देख लेते हैं। ठीक है, आगे अपन एक टॉपिक करेंगे सिंचाई परियोजना वगैरह, बांध वगैरह, वहां पे इसे नहीं लेंगे, अभी इन्हें क्लियर कर लेते हैं अच्छे ढंग से। अब देखो अपन ने बात की भी इस पे चार बांध है, चंबल पे कितने बांध है? चार बांध है। ठीक है, टोटल बांध है चार और इनका निर्माण हुआ था तीन चरणों में। कितने चरणों में? तीन चरणों में, यानी काम चलाया चंबल नदी पे। जैसे अपन घर का काम चलाते हैं, पहले मकान खड़ा कर लिया, फिर बाद में उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया और फिर बाद में उसके ऊपर रंग रोगन कर दिया, तो तीन स्टेप हो गए ना। वैसे चंबल पे भी अपने मिस्त्री लगाए गए और तीन बार मिस्त्री लगाए, और जब वो तीन बार मिस्त्री लगे तो उन्होंने तीन बार में चार बांध बना दिए। अब देखते हैं कौन कौन से बने, तो चरण अपने कितने हैं? तीन, तो अपन लिख लेते हैं फर्स्ट चरण, फिर अपना सेकंड चरण यानी जब सेकंड बार काम चला, और एक अपना थर्ड चरण। ठीक है, तीन चरण हुए और तीन चरणों में बांध बने चार। पहले चरण की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इस पे बांध बनाया गया गांधी सागर बांध, गांधी सागर। ठीक है, तो ये थोड़ा सही कर लेता हूं मैं, गांधी सागर बांध। ठीक है, शुरू शुरू में ही है एमपी में, जब यहां चलती है रिवर अपनी चंबल स्टार्ट होती है वहीं पे बना हुआ है गांधी सागर। और एक बिल्कुल एंड वाला कोटा बैराज, कोटा बैराज, ठीक है, जो कोटा में है। तो शुरू शुरू में पहले चरण में कितने बांध बने? दो बांध बने। पूछ लिया जाए पहले चरण में कितने बांध बनाए गए, तो दो बनाए गए, गांधी सागर और कोटा बैराज बांध। ठीक है, ये बने थे 1960 में, 1960 में। ठीक है भाई, काम कर दिए बंद। अब बाद में उन्होंने सोचा इतनी बड़ी नदी है, एक आधा बांध और बना लिया जाए, तो दूसरे चरण में बांध बनाया गया और उस बांध का नाम रखा राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, तो जो राणा प्रताप सागर बांध है इसका निर्माण हुआ है दूसरे चरण में, और ये दूसरा चरण कब कंप्लीट हुआ? 1970 में। और राणा प्रताप सागर है कहां पे? अभी अपन ने डिस्कस किया था चित्तौड़गढ़ में है, ये एमपी में है मंदसौर में, ये अपना कोटा में ही है राजस्थान में। ठीक है, राणा प्रताप सागर है अपना चित्तौड़गढ़ में। आगे अपन बात करते हैं थर्ड बांध की, थर्ड के बांध करें तो एक ही बचता है और उसका नाम है जवाहर सागर बांध, जवाहर
सागर, ठीक है, जवाहर सागर बांध जो बना है थर्ड चरण में बना है और यह है कहां पे, कोटा बूंदी में, ठीक है। तो ये है इसके डैम। अब वन बाय वन अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं गांधी सागर बांध को। पहला ही पहला बांध है अपना गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। तो पहले तो ये है कहां पे, ये बात अपने को पता होनी चाहिए भी कौन सी जगह पे है। तो ये है ये मंदसौर में, और मंदसौर कहां पे है, एमपी में, ठीक है। ये होगी सेकंड बात, राजस्थान से बाहर है, ये तो अपने को पता चल ही रहा है, सिंपल सी बात है, जब एमपी में है तो राजस्थान से तो बाहर ही होगा। अब ये बिजली बनाने वाला काम करता है बांध, इस पे क्या बनती है, बिजली बनती है, ये बात भी अपन ने देखी। लेकिन बिजली बनती कितनी है, तो इसमें 5 यूनिट लगी हुई है और हर यूनिट बनाती है 23 मेगावाट, ठीक है, इंटू 5 कर दें तो 115, ठीक है, मेगावाट इतनी बिजली बनती है इसमें। आगे चलते हैं अपन, अब पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण में अपना गांधी सागर था और दूसरा कौन सा था, कोटा बैराज। तो दूसरे डैम की बात कर रहे हैं और उस डैम का नाम है कोटा बैराज। कोटा बैराज है कहां पे, तो जैसा इसका नाम है कोटा में ही है। इसमें क्या होती है, सिंचाई होती है, इसमें बिजली बिजली का कोई प्रोग्राम नहीं है। जो अपना कोटा बैराज बांध है ये सिर्फ सिंचाई के लिए बनाया गया है। तो सिंचाई के लिए क्या की जाती है, सिंचाई के लिए निकाली जाती है नहरें। तो इसमें भी नहरें निकली हुई हैं, कुछ नहरें बाईं तरफ हैं और कुछ नहरें दाईं तरफ हैं। अगर बाईं तरफ वाली नहरों की बात करें तो ये सिंचाई करती है कोटा और बूंदी में, कोटा और बूंदी में। और अगर दाईं तरफ वाली नहरों की बात करें तो ये सिंचाई करती है कोटा और बारा, ठीक है। यहाँ पे टोटल 14 लिफ्ट नहरें निकली हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं दाईं तरफ, 14। इन 14 में से 8 तो अपनी चलती हैं कोटा और बारा में, 8 कहाँ चल रही हैं, कोटा बारा में, दाईं तरफ की बात कर रहे हैं, ये सिंचाई करती है कोटा बारा। 14 लिफ्ट नहरें हैं, 14 में से 8 तो सिंचाई करती हैं कोटा और बारा में। अब जो बची 6, ये सिंचाई करती हैं एमपी में, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं अपन, ये फर्स्ट चरण कंप्लीट हो गया, दो ही तो डैम बने थे, कोटा बैराज और गांधी सागर, दोनों के बारे में अपन ने देखा। कोटा बैराज सिंचाई के लिए है, इसमें नहरें निकली हुई हैं, कुछ बाईं तरफ हैं कुछ दाईं तरफ हैं। जो बाईं तरफ वाली हैं वो कोटा बूंदी में सिंचाई करती हैं और जो दाईं तरफ हैं वो अपनी कोटा और बारा में सिंचाई करती है। अब अपन बात करते हैं थर्ड चरण की। जब इसका थर्ड चरण चलाया गया तो तब एक डैम बना और उसका नाम था राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है, सेकंड चरण है भाई ये। अभी अपने तीसरा डैम है, ये चरण कौन सा है, चरण सेकंड है लेकिन डैम कौन सा है, तीसरा, राणा प्रताप सागर, ठीक है। राणा प्रताप सागर है कहां पे, तो राणा प्रताप सागर है अपना चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और इसके बारे में बात करें, अगर राणा प्रताप सागर बांध की अपन बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है ये, राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है, तो आंसर होगा अपना राणा प्रताप सागर। अब देखो यहां पे एक रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र है और उसे सप्लाई भी राणा प्रताप सागर से ही की जाती है, ठीक है। तो मैं इसे लिख लेता हूं, इससे यानी राणा प्रताप सागर बांध से, इससे रावत भाटा परमाणु केंद्र को जलापूर्ति की जाती है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने मैप में देखा था, फिर से देख लेते हैं। देखो दिख रहा है मैप, ये चित्तौड़गढ़ है, ये राणा प्रताप सागर बांध है और ये देखो खुला खुला लिखा हुआ है रावत भाटा। तो यहां पे परमाणु केंद्र है, उसे सप्लाई अपन इसी डैम से करते हैं। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अपन ने देखा अभी जो राणा प्रताप सागर है इसमें से भी क्या बनती है, बिजली बनती है। अब बिजली बन रही है तो कितनी बन रही है, यहां पे 43 मेगावाट की इकाइयां लगी हुई हैं, 4, ठीक है, यानी 172 मेगावाट बिजली बनती है टोटल। अब अपन बात करते हैं थर्ड चरण की, ठीक है, लास्ट चरण, थर्ड चरण। थर्ड चरण में भी इसमें एक बांध बनाया गया और उस बांध का नाम था जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर
बांध, ठीक है, जो अपना जवाहर सागर बांध है। अगर अपन इसकी पोजीशन देखें, ये है कहां पे, तो ये है अपना कोटा और बूंदी में, ठीक है, ये बात कंप्लीट हुई। अब ये भी बिजली बनाता है, अब बिजली बनाता है तो कितनी बिजली बनाता है, इस पे 33 मेगावाट की 3 यूनिट लगी हुई है, यानी ये 99 मेगावाट बिजली बनाता है। और अगर अपन देखें जो जवाहर सागर बांध है, ये चंबल का पिकअप बांध है, चंबल का पिकअप बांध है, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए चंबल का पिकअप बांध कौन सा है, तो अपना आंसर होगा जवाहर सागर बांध। पिकअप बांध कौन से होते हैं, जिनमें पानी को उठा के डाला जाता है, ठीक है। आगे अपन कुछ और चीजें देखते हैं, डैम कंप्लीट हो चुके हैं, चंबल से रिलेटेड कुछ और चीजें उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक है अपना चूलिया जलप्रपात, ठीक है, चूलिया जल प्रपात, चूलिया जलप्रपात, जलप्रपात होता क्या है, ऊपर से नीचे पानी गिरता है, उसे जलप्रपात बोलते हैं, झरने टाइप होता है। है कहां पे, पहले तो किस पे है, जैसे चूलिया और जैसे चंबल, चंबल पे है, और जैसे चित्तौड़गढ़ कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में कहां पे है, भैंसरोड़गढ़, ठीक है, भैंसरोड़गढ़ नामक एक जगह है, वहां पे है अपना चूलिया जलप्रपात। अब इसकी भाई चूलिया की बात, क्योंकि खास बात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, सबसे ऊंचा है, तो कितना ऊंचा है, ये अपना टोटल 18 मीटर ऊंचा है। आगे बात करें अपन, चंबल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हैंगिंग ब्रिज। अभी चंबल पे थोड़ा टाइम पहले हैंगिंग ब्रिज बनाया गया, ठीक है, राजस्थान का एकमात्र आपसे पूछ लिया है, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज कहां पे है, तो वो चंबल पे है। चंबल में कौन सी जगह पे है, कोटा में है, ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी, 1.5 किलोमीटर है, ठीक है, कितनी लंबाई है, 1.5 किलोमीटर। अब देखो जो चंबल है, अच्छी खासी लंबी नदी है। अब अपन देखते हैं जो चंबल है, कुछ त्रिवेणी संगम भी बनाती है। अब इसकी त्रिवेणी संगम की बात करते हैं, जो अपनी चंबल है ये त्रिवेणी संगम बनाती है, तो कौन सा बनाती है, त्रिवेणी संगम होता क्या है, जहां पे 3 रिवर मिलती हैं उसे बोला जाता है त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, एक तो मिलती है भाई अपनी चंबल, एक मिलती है अपनी बनास जो अपन ने पहले भी बात की थी, इसकी सहायक नदी है, और एक मिलती है सीप, मिल गई भाई, कहां मिली, ये मिलती है अपने सवाई माधोपुर में, ठीक है, सवाई माधोपुर का एक गांव है पदरा गांव, कहां पे है ये, सवाई माधोपुर में, यहां पे तीनों नदियां मिलती हैं, चंबल, बनास और सीप, और बनता है एक त्रिवेणी संगम। इस त्रिवेणी संगम को बोला क्या जाता है, रामेश्वरम घाट बोला जाता है, क्या बोलते हैं, रामेश्वरम घाट। आपसे पूछ लिया जाए रामेश्वर घाट कहां पे है, सवाई माधोपुर में, कहां पे, पदरा गांव में। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, चंबल, बनास और सीप मिलती हैं, ठीक है। तो ये हुआ अपना त्रिवेणी संगम। अब चंबल के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें बाकी हैं, जैसे अपने को एक तो देखनी है चंबल की सहायक नदियां कौन सी हैं, और एक दो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करनी है, देन उसके बाद में अपन करेंगे नेक्स्ट रिवर यानी बनास। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। जय हिंद, जय भारत।